哦。Oh. श्वास यानी प्राण को ओंकार में हम कन्वर्ट कर दे तो बहुत बड़ी प्रार्थना बन जाती है ओ... और ब्रेन को बहुत ही सुकून और शांति मिलती है इसलिए जब भी हमें हमारा बीपी हाई हो या हेड हो या मन चंचल हो तो हमें आने वाली श्वास को डीप करके चांटिंग यानी ओम का चांटिंग करना शुरू कर देना चाहिए शांति से मेरुदंड सीधा करके बैठ के हो ट्वेंटी मिनट्स हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता हमारा चंचल मन बिल्कुल शांत होने लगता है और जो डिप्रेस्ड माइंड था वो बिल्कुल पॉजिटिव होने लगता है ओ गय नमः ओम श्री सरस्वती नम ओम श्री गुरुभ्यो नम तो ये बहुत ही अच्छी है कि जब भी हम डिप्रेस्ड हो टेंशन में हो दुखी हो तो उस समय चांटिंग के लिए बैठ जाए हो सके तो तीन बार उस समय चांटिंग करे जिसको त्रिकाल संध्या कहते हैं सुबह दोपहर और शाम देखेंगे कि एक से दो दिन में हम बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं कहीं कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है आज का हमारा टॉपिक है टुडेस। माय टॉपिक इज वन ऑफ द बेस्ट हीलर सबसे बड़ा हमारा हीलर कौन है जो हमें जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम्स को हील करके ठीक कर देता है सबसे बड़ा इस शरीर में जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है ऊर्जा का स्रोत क्या है वो जानना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है अदरवाइज वी कांट हम अपनी मदद के लिए ये पैथी वो पैथी, कभी एलोपैथी कभी आयुर्वेदिक पैथी कभी होम्योपैथी कभी, कभी होम रेमेडीज़ कभी नेचुरोपैथी देर आर सो मैनी पैथीस की ओर हम भागते रहेंगे भागते रहेंगे और अंत में हम ठीक नहीं हो पा ठीक होते हैं ऐसी बात नहीं है किंतु बेचैनी बढ़ जाती है जबकि सबसे बड़ा हीलर हमारा डेली का जो हम क्रिया करते हैं वो सबसे बड़ा हमारा हीलर है इसलिए आज हम बात करेंगे नींद स्लीपिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट हीलर सोना निद्रा हमारा सबसे बड़ा हीलर है हमारे एक एक सेल्स को रिपेयर करता है न्यू जनरेशन ऑफ सेल्स जो क्रिएट होता बर्थ होता है हमें सोने से ही आज बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया कि नींद नहीं आती स्लिप पिल्स हम लेते हैं उसके बाद हमें नींद आती है इसका बहुत सारा और भी प्रॉब्लम्स है एक तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा बॉडी कहीं एसिडिक तो नहीं हो रहा बॉडी में कहीं कचरा तो नहीं भर रही है तो उसका भी हमें ध्यान देनी है कि हम किस तरह से हमारा लाइफ स्टाइल है सुबह से लेके शाम तक की लाइफ स्टाइल अच्छी हो तो रात को नींद आती हमें सुबह हमें मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठना है फिर क्या करनी है कैसे हमारा पेट साफ हो स्टमक क्लियर हो स्टूल क्लियर हो जाए फिर उसके बाद हमें क्या करनी है कुछ योग करनी एक्सरसाइज करनी आशन प्राणायाम वगैरह जो भी पूजा पाठ करनी है केवल बॉडी ही नहीं माइंड की भी हीलिंग होनी चाहिए तो ये सारा कुछ अच्छी तरह से हील हो तो इवनिंग रात को जब हम सोएंगे तो बिल्कुल पाँच से दस मिनट के अंदर हमें नींद आ जाएगी अदरवाइज अदरवाइज लोग करवटें बदलते और नींद नहीं आती इसका सबसे बड़ा कारण है एक तो बॉडी आपकी एसिडिक है तो बॉडी को हम थोड़ा थोड़ा अल्कलाइन करें स्टार्टिंग एक तो सुबह में फ्रेश माइंड चार बजे बिल्कुल उठना ही चाहिए चार बजे जो उठ के चार से पांच या छह बजे तक बैठा भी हो सपाइन सपाइन सीधा करके मेरुदंड नींद भी आ जाए वो भी एक मेडिटेशन में ही काउंटिंग होती है और वो जो हीलिंग होती है वो दिन भर की हमारी स्फूर्ति होती है भले रात में नींद आए ना आए लेकिन उस समय हम थोड़ा समय भी बैठ ले उसके बाद हम फ्रेश हो स्नान करें और आगे की अपनी क्रिया करें भक्ति योग करें ज्ञान योग करें ध्यान योग करें अष्टांग योग करें जो योग करनी है उसके बाद हम योग करें उसके बाद हमें कोई जो नाश्ते में है या पहले ब्रेक योर फास्ट विद जूस कोई भी जिसमें ग्लूकोज ना हो जिसमें शुगर ना हो वो जूस लेनी है जैसे पेठा की जूस हो गई बिल्कुल उसमें शुगर नहीं होती है पीट ग्रास की हो गई दुर्वा अंकुर की जूस हो गई कोई भी जिसमें ग्लूकोज ना हो उसके एक घंटे के बाद हम फल वगैरह ले लें जो सीजनल फ्रूट हो उसके बाद हम या सन बात ज़रूर हम ले देव को नमन ज़रूर करें हम सूर्य नमस्कार ज़रूर करें हम तो इससे बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं और बिल्कुल बॉडी माइंड हमारा अल्कलाइन यानी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रन कर रही है फिर उसके बाद दोपहर में बिफोर लंच हमें शैलाड़ लेनी चाहिए जिससे अल्कलाइन नेचर बनी रहे और फिर अन्न का हम पान करें दोपहर शाम में हो तो अर्ली यानी छः बजे तक हम अपना डिनर ले ले लाइट ले हम डिनर सूप ले ले उसके बाद थोड़ी सी डिनर ले लाइट हो और फिर देखें दस बजे तक नींद अच्छी हो हमारा काम भी अच्छी तरह चल रहा और हमारा स्वास्थ्य भी क्योंकि स्वास्थ्य अच्छी नहीं होगी तो कहते हैं ए हेल्दी माइंड इज़ लिविंग इन हेल्दी बॉडी एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और फिर देखें जैसे हम बेड पर जाएंगे अच्छा सोने से हमें एक घंटा आधा घंटा एक आधे एक घंटा पहले बिल्कुल टीवी नहीं देखनी है मोबाइल नहीं यूज करनी है उसे छः फीट की दूरी पर मोबाइल को हम रखें बिल्कुल उस समय कोई टीवी कोई स्क्रीन जो उससे भी बहुत वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो रेज़ होती है उसका भी इफ़ेक्ट हमारे माइंड पे होती है फ्रीज रेज का इफेक्ट होती है उन सब चीज़ों से हम बचेंगे और बिल्कुल बेड पर जाएंगे तो एक पाँच मिनट दस मिनट का हम मेडिटेशन कर ले जब कर ले उसके बाद जो नींद आएगी बहुत अच्छी नींद आएगी फिर आराम से तीन बजे चार बजे हम उठ जाएंगे फ्रेश और नींद हमें क्या करता है जब हम सोते हैं तो सोने के बाद हम नहीं होते हैं। सब कॉन्सियस ऑफ माइंड हो जाती है फिर उस समय ईश्वर अपना काम करता है फिर उस समय आत्मिक ऊर्जा हमारे हमारा काम करता है उस समय सारे सेल्स की रिपेयरिंग होती है उस समय इसलिए हमें खाना खाने के एकदम बिल्कुल खाना खाने के बाद नहीं सोनी चाहिए नहीं तो फिर फिर हमारा लीवर किडनी इंगेज हो जाता है अब हमने छः बजे खा लिए तो दस बजे तक डाइजेशन सेवेंटी परसेंट हो जाती है सिक्सटी परसेंट सेवेंटी लाइट फूड लेनी चाहिए तो फिर ये सारे ऑर्गन्स शांत बिल्कुल और सारे ऑर्गन्स की हीलिंग होती है लीवर किडनीज पेंक्रियाज पूरे बॉडी की हीलिंग होती है सेल्स रिपेयरिंग होती है न्यू सेल्स जनरेशन होता है और फिर ईश्वर अपना काम करता है फिर धीरे धीरे पूरा बॉडी छः घंटे में पाँच घंटे में हमारा रिचार्ज हो जाता है और एक रिचार्ज शरीर ही अच्छी तरह से कार्य कर सकता है अगर आपकी मोबाइल अच्छी तरह से रिचार्ज नहीं है तो थोड़ी देर में बैटरी डाउन हो जाएगी बात बात करते करते मोबाइल बंद हो जाएगी होता है बहुत लोग बात करते करते ऐसे झपकी लेने लगते हैं, सोने लगते हैं इसका अर्थ है कि आपकी बॉडी रिचार्ज नहीं है पूरी तरह से बहुत लोगों को आपने देखा होगा कोई लेक्चर सुन रहे या कहीं कुछ कर रहे हो और बस सुनते सुनते झप किया नींद आने लगती है इट इज़ नॉट गुड इसका अर्थ है कि बॉडी कहीं ना कहीं एसिडिक है इसका अर्थ है कि हमें अच्छी नींद नहीं आई है कोई प्रॉब्लम है कहीं पेन हो रही है hmm. तो ये जो नेचर ऑफ दी बॉडी इज़ अ प्योर नेचर आर बॉडी इज नॉट बिल्डअप विथ कंक्रीट सीमेंट सोयल uh, बालू और ये सरिया इससे नहीं बनी हर बॉडी इज बिल्डअप विद ब्यूटिफुल फाइव एलिमेंट जिससे ब्रह्मांड बना उसी से बॉडी भी बना है इसलिए ब्रह्मांड भी इसलिए बॉडी हमारा एक पूरा पूरा ब्रह्मांड है और जो जो ब्रह्मांड में होती है क्रियाएँ वो सारी क्रियाएँ हमारे शरीर में भी होती है अब आप सोचो कि ब्रह्मांड में क्या क्या नहीं होती है सारी क्रियाएं होती है और ब्रह्मांड में जो क्रियाएं होती उस क्रिया को करने वाला कितना जीनियस है जिसे वेस्ट ने जीनियस कहा जिसे वेस्ट ने ग्रेट कहा जिसे वेस्ट ने जनरेटर कहा जी ओ डी ओमनी प्रेजेंट ऑपरेटर एंड डेस्टनी कहा यह सारा कितनी शांति तरह से क्रियाएं ब्रह्मांड में हो रही है जिस क्रिया को करने वाले को हम ब्रह्म कहते हैं ईश्वर कहते भगवान कहते गॉड कहते अल्लाह कहते आर सो मेनी नेम्स ऑफ़ डिवाइन सुपर पावर परमात्मा के अनंत नाम है किंतु काम एक ही है काम एक ही है इसलिए हमारा बॉडी कोई सीमेंट सरिया बालू या इन सब चीज़ों से नहीं बनी हमारा शरीर बना है आकाश आकाश से हमारा मन बुद्धि चित्त आकाश अहंकार ये चार सूक्ष्म इंद्रिय बनी वायु अग्नि पानी और पृथ्वी से हमारी शरीर बनी है तो ये पांचों तत्वों का अच्छी तरह से पांचों तत्वों में हम अभी सभी तत्वों का सम्यक रूप से विस्तार में हम रहें क्योंकि एवरी टाइम हम कनेक्शन में रहते हैं आकाश तत्वों के एवरी टाइम हम कनेक्शन रहते हैं सूर्य देव से हमारे अंदर बॉडी में ये सूर्य नाड़ी है राइट पिंगला नारी सूर्य नारी ईड़ा नारी चंद्र नारी है. चांद सूरज से हम कनेक्टेड हैं ऐसा ना समझे कि हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर होकर हम चांद और सूरज से कनेक्टेड हैं इसीलिए तो कहते हैं लाखों सूरज चांद सितारे मेरे अंग अंग को करे उजाड़े अलक प्रभु स्वान जी का जीवन हो सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजाड़े अमर प्रभु आत्मा राम का जीवन हो ज्ञान स्वयं अमृतेश्वरेश्वर आज अच्छे तृतीया है अच्छे तृतीया पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ हार्दिक शुभकामनाएं हम सब के जीवन में आज का दिवस बहुत ही ये मुहूर्त शुभ मानी जाती है क्योंकि आज के ही दिन निवाला यानी अन्नपूर्णेश्वरी माता को कहा जाता जन्म अन्नपूर्णे सदापूर्णे संकर प्राण वल्लभे ज्ञान भक्ति वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती अन्नपूर्णेश्वरी माता का प्रकट दिन है आज के दिन ही भगवान विष्णु के छठवें अवतार यानी भगवान परशुराम जी का प्रकट दिन जन्मदिन भी मनाई जाती है आज के दिन ही भगवान गणेश जी के सहायता से महर्षि वेद जी ने महाभारत ग्रंथ लिखनी शुरू की और आज के दिन ही महाभारत युद्ध का समापन हुआ और आज के दिन ही माता गंगा को और धरा पर अवतरित ये बहुत सारे कुछ आज के दिन ही कुबेर भगवान कुबेर को खजाना मिली तो ये बहुत सारे चीज आज के दिन इस मुहूर्त में हुए इसलिए इस मुहूर्त को अच्छे तृतीया अच्छे यानी अच्छे और भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय का भी आज के दिन जन्म तो अक्षय यानी न क्षय होने वाला न समाप्त होने वाला अविनाशी जो तत्व है वो अक्षय अविनाशी जो है वो हम स्वयं है हम सब अक्षय यानी न क्षय होने वाला जो परम तत्व परमात्मा है जो अजन्मा है, है स्वयंभू है जो स्वयं हम सब के स्वरूप में स्थित है आत्मा के रूप में शरीर धारण किया उस परमात्मा को मेरा सहस्त्र नमन है तो हम शब का भी स्वभाव अक्षय की तरह होनी चाहिए छह शरीर का होता है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है सर्टिफाइड बाय गीता गीता श्रीमद् गीता ने सर्टिफाइड किया है कि न जन्म होता न मृत्यु होता आत्मा का जो परमात्मा के ही अनंत रेज हैं किरणें हैं जो परमात्मा के ही अनंत चेतना फैली हुई है जिसे हम आत्मा कहते हैं प्राण कहते हैं जो सभी प्राणियों में चेतना के रूप में वर्तमान है विराजमान है जो सभी जीवों में जीवात्मा के रूप में चैतन्य है वर्तमान है विराजमान है वह अक्षय है उसका कोई जन्म नहीं उसकी कोई मृत्यु नहीं और जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होता है वो अविनाशी होता है जिसकी जन्म मृत्यु नहीं वो स्वयंभू होता है फिर उसकी कोई संबंध भी नहीं हो सकती है कैसे संबंध होगा और सभी में वर्तमान भी है सब में है समान रूप से है सर्वेश्वर है वो ईश्वर जब हम सो जाते हैं हम निद्रा में गाढ़ निद्रा में होते हैं डिप स्लीप में होते हैं तो वो फिर अपना काम करता है जब हम नहीं सो जाते हम यानी अहम जब शरीर सोता है मन सो जाता है आँख ये सारा ऑर्गन्स जब सो जाते हैं तो उस समय ईश्वर हमें रिचार्ज करता है हमें हील करता बिल्कुल, कहां पैन है बिल्कुल कहाँ पेन है कहाँ प्रॉब्लम्स है हम देखते हैं कभी इधर वो, करवट कभी इधर करोट जैसे होती है अपनी मसाज भी तो उस समय हमारा मसाज भी ईश्वर करता है बिल्कुल हमारे मन माइंड से लेके पूरे बॉडी को बिल्कुल रिचार्ज कर देता और हमें तरोताजा करके फ्रेश करके जगा देता उठो लेकिन चार बजे जरूर उठ जानी चाहिए चार बजे से छह बजे की जो ब्रह्म मुहूर्त है वैसे तीन बजे दो के बाद ही शुरू हो जाती मैं नहीं ये कहता कि तीन बजे उठ जाओ चार बजे उठ के छः बजे तक भले ही बैठो शपा शपाइन सीधा करके मेरुदंड बैठे हम ये जो दो घंटे का समय है अगर झपकियाँ आ जाए नींद भी आ जाए तो कोई बात नहीं महर्षि पतंजलि ने कही है कि यदि तंद्रा में भी बैठे रहो तो तंद्रा भी निद्रा भी एक ध्यान का ही है समाधि के करीब लेके हमें आज नकल वो पहुंचा देगा धक्का मारेगा वो उस समय इतनी फ्रेशनेस आएगी उसके बाद जो दिन भर हमें उसका इफेक्ट होगा तो जरूर हम उस समय ध्यान में कोई भी क्रिया करें पूरे दुनिया कहती है ब्रह्म मुहूर्त में जो दिन भर नहीं होता वो ब्रह्म मुहूर्त में होती है ऐसा धार्मिक रूप से हैं कि देवता का भ्रमण होता है देवता का कहे या भरपूर ऑक्सीजन होती है वातावरण शुद्ध होता है किसी को कहो कि शु... सुबह के समय चार बजे छः बजे पाँच बजे छः बजे चोरी करो किसी को मारो किसी को कुछ करो तो उससे करा नहीं जाएगा क्योंकि उस समय सात्विकता बहुत होती है वातावरण की सात्विकता जो हेल्पफुल होता है हमें उस समय यदि कोई भी कार्य हम करें पॉजिटिव तो हमारे जीवन में सक्सेस समय मिलेगा ठीक उसके विपरीत शाम की चार से छः देख लो सात देख लो बिल्कुल विपरीत होती है उस समय लोग शराब के दुकान पे भीड़ भाड़ लगा रखते हैं शराब की शेलिंग उस समय बढ़ जाती है शाम को सुबह किसी को आपने नहीं देखा होगा वो छः बजे सात बजे तक चार बजे से इस शराब की दुकान पे शराब पीने के लिए लेकिन शाम में सुबह कोई होटल कोई ये खुली नहीं होती है यानी सुबह सब फ्रेश में ताज़ा होकर उठते हैं दिन भर भोग करने के लिए क्योंकि रात भर ईश्वर ने योग कराया ईश्वर ने रिचार्ज किया ईश्वर ने हमें पॉजिटिविटी बनाया और फिर हम दिन भर उसे भोग के रूप में यानी पैसे कमा यानी एनर्जी कमाया अब उस एनर्जी का हम उपयोग करते दिन भर सही बात है ईश्वर योग करके हमें रिचार्ज कराया डिवाइन सुपर पावर ने कनेक्ट होके हमें रात भर की डिप स्लीप से जो एनर्जी मिली अगर किसी को जगा दो रात भर, दिन में उससे कहो काम करो मन लगा के करो बिल्कुल नहीं करेगा अच्छी न्यूट्रिशन फूड दो अच्छी अच्छी से अच्छी फूड दो फिर भी काम नहीं होगा क्योंकि रिचार्ज नहीं है बॉडी सो रिचार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दिस ब्यूटिफुल टेक्निक ऑफ डिवाइन नेचर नेचर ने कितना सुंदर कि डेली हमें रिचार्ज करता है इसी थेसिस पे प्रोसेस पर रिचार्ज ऑफ दी मोबाइल सब कुछ रिचार्ज रिचार्ज रिजा सो रिचार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दिस ब्यूटीफुल टेक्निक ऑफ़ डिवाइन सुपर पावर ऑफ नेचर नेचर का ये टेक्निक को हमें रियलाइज करनी चाहिए क्योंकि आदमी तो ईश्वर को करने ही नहीं देगा कहेगा टाइम नहीं है छोड़ो छोड़ो इसलिए हमें सुला देता और सुलाने के बाद रिपेयर करता है कई लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती है कि नींद नहीं आए तो दो पैक एक पैक शराब पी लो फिर अच्छी नींद आ जाती है गाढ़ी नींद आ जाती है इट्स वेरी बैड बहुत गंदी बात है वो नींद नहीं होती है वो बेहोशी होती है शराब पीने के बाद कोई कहे या स्लीप पिल्स दवा लेने के बाद जो नींद आए वो नींद नहीं होती है बेहोशी होती है और बेहोश आदमी उठेगा भी तो बेहोश ही रहेगा दिन भर उससे कोई कार्य नहीं होगी वो बेहोशी में दिन भर रहेगा क्योंकि होश में सोया नहीं तो होश में उठेगा भी नहीं इसलिए शराब पी के सो जाना किसी बाहरी चीज का और उसका इफेक्ट होगा कि धीरे धीरे लीवर खराब होनी शुरू कर देगी लीवर इज अ हीलर बेस्ट हीलर कहाँ क्या जरूरत है डिटॉक्सीफाई बॉडी को करता है सेकेंड ब्रिलियंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड लीवर वो हमें केमिकल्स का फैक्ट्री भी कहा जाता है कहाँ क्या नेसेसिटी है उसका फुलफिल लीवर करता है फिर किडनीज भी अफेक्टेड होगा इसलिए डोंट टेक वाइन शराब लेके हमें नहीं सोना चाहिए नेचुरल होना चाहिए ब्रीदिंग सोना भी एक प्रकार की ध्यान है पूछा है अच्छी नींद जिसको आती है वो स्वस्थ व्यक्ति है वो कभी गलत नहीं करेगा ना परिवार के लिए ना समाज के लिए ना राष्ट्र के लिए और एक बिक्षिप्त व्यक्ति जिसको अच्छी नींद नहीं आए डीप स्लिप नहीं आए यानी बीमार है वो और ये रिसर्च हुआ तो अमेरिका में लोग 36 या 46, 40 परसेंट लोगों को नींद नहीं आती तो ऐसे जो डेवलप्ड कंट्री है वहां की ये स्थिति है पैसा तो हमने बहुत इकट्ठा कर लिया इसलिए हमने बोला मनी इज नीड ऑफ लाइफ मनी इज नॉट लाइफ पैसा आवश्यकता है जीवन नहीं है इसलिए इज इस वेरी इंपॉर्टेंट कमाना चाहिए लेकिन सारी एनर्जी उसी में लगा दो इज साधन है पैसा साधन है नहीं है है भोजन साधन है कि भोजन करके हम अपना काम में लगे ना कि दिन रात भोजन ही करते रहे तो पैसा एक साधन है साधन जैसे यहां से हमें दिल्ली से मुंबई जानी या मुंबई से हमें अमेरिका जानी है तो फ्लाइट हम लेते हैं फ्लाइट एक साधन है ना कि फ्लाइट में ही हम घर बना ले तो पैसा एक साधन है साध्य को तक पहुंचने के लिए उद्देश्य को तक पहुंचने के लिए इसलिए मनी इज नीड ऑफ लाइफ मनी इज नॉट लाइफ पैसा आवश्यकता है आवश्यकता है जीवन नहीं है इसलिए वन ऑफ द बेस्ट हिलर इज निद्रा को कहा गया है नींद अच्छी हमें आनी चाहिए यदि नींद नहीं अच्छी आएगी कहते हैं नींद की पूर्ति दिन भर स्फूर्ति जिसे नींद की पूर्ति नहीं हो उसे स्फूर्ति भी नहीं आ सकती है भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से कही है कि बिल्कुल बहुत सोने वाला की भी योग सिद्ध नहीं होती है और बिल्कुल कम सोने वाला या नहीं सोने वाले की भी योग सिद्ध नहीं हो सकती है तो मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए मिडिल पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग को अपनाया बुद्ध भी छह महीना एकदम कठोर तप डेली डेली स्नेह स्नेह हमें साधना करते हुए हम परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं स्नेह स्नेह साधना करते हुए सतत साधना करते हुए हम परम शक्ति सच्चिदानंद को स्वानुभूति कर सकते हैं स्वयं में अनुभूति कर सकते हैं अपने इस ब्यूटीफुल लैब के माध्यम से हमारा ये लैब है लेबोरेटरी है शरीर इसलिए इसे स्वस्थ रखना साफ सफाई करते रहना चाहिए यदि लैब साफ सफाई हो सारे इंस्ट्रूमेंट हमें अच्छा हो तो एक दिन हम अपने इस लैब में प्रयोगशाला में परमात्मा को प्रकट करके दर्शन कर सकते हैं वी विल सर्टिफाई सुपर पावर इन लैब अपने इस लैब के माध्यम से हम रियलाइज कर सकते हैं अदरवाइज जीवन चली जाती लाखों करोड़ों जीवन आई और गई किसी को आभास तक नहीं हुआ क्या है परमात्मा क्या है आत्मा क्या है सुपर पावर जो इस संसार को मैनेज कर रहा है जनरेट कर रहा ऑपरेट कर रहा खुद ऑपरेट ये शरीर हो रहा और खुद वही सुपर पावर्स के इंटीग्रल अंग है परमात्मा ही है अनंत रूपों में तो हम सब भी परमात्मा ही है हम हम नहीं हैं हम सब परमात्मा के ही अभिन्न रूप हैं इसलिए हम सब परमात्मा हैं परमात्मा ही है हम नहीं है सुपर पावर इज प्रेसेंस ऑफ सुपर पावर इज प्रेसेंस इन दिस एवरीथिंग इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड इस ब्रह्मांड के एवरी मॉलिक्यूल्स में द सुपर पावर इन द फॉर्म ऑफ एटम्स एटम परमाणु के रूप में परमात्मा ही है तो हर जीव शिव का ही स्वरूप है स्वामी विवेकानंद ने भी कई बार कहा अपने लेक्चर में कि एवरी जीवा इज शिवा हर जीव शिव के ही स्वरूप है आदिशंकराचार्य ने कनक धारा स्त्रोत्र आज के दिन लिखी उन्होंने निर्वाण अष्टकम के माध्यम से कही चिदानंद रूप शिओह हम शिओह हम शिओह हम तो को क्या लगा रियलाइज किया उन्होंने कि अनंत काल से परम सत्य चली आ रही है और हम उस सत्य को ना समझ रहे ना डाइजेस्ट कर रहे हैं व्हाट इज गोइंग अनंत काल से आनंद स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा बह रहा है अनंत रूपों में और हम उसे अनुभव तक नहीं कर पा रहे शिओह हम शिओह हम चिदानंद रूप शिओह हम शियो हम और वो जो चेतना है वो जो प्राण है वो जो ऊर्जा है वो शिव के रूप में है इसीलिए उन्होंने कहा शीव हम शिवो हम और वो हम हैं आप हैं हम शब हैं इसलिए उन्होंने कहा शिवो हम डायरेक्ट उन्होंने कहा शिवो हम शिवो हम शिव हम मैं शिव हूँ मैं शिव हूँ मैं शिव हूँ एम शिवा एम शिवा एम शिवा एम शिवा सो so एवरी जीवा इज नॉट वी रियलाइज आज के दिन अच्छे तृतीया को ही शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र की रचना की थी इसलिए आज का मुहूर्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए जरूर नींद हम चेक करें कि क्या हमारे लाइफ स्टाइल में अशुद्धि है फिर देखें हमारी नींद अच्छी होगी सो स्टार्ट योर लाइफ स्टाइल इन ब्रह्म मुहूर्त सुबह चार बजे जरूर उठने की कोशिश करें बैठे थोड़ी सी स्पाइन को मेरुदंड को सीधा करके ध्यान में फिर फ्रेश व स्नान करें फिर योग साधना करें, पूजा करें जो है आपकी फिर अल्कलाइन जूस ले जिसमें ग्लूकोज ना हो फिर से एक बार रिपीटेशन करें, फिर एक प्रकार की फल ले फिर लंच के पहले शैलाड़ ले फिर शाम को जल्दी से सूप वगैरह या जो भी लाइट फूड लेके फिर साधना में जुट जाए अपनी दिन भर काम में रहें शाम को फिर से हम राममय जीवन हो जाए और फिर देखें नींद कैसे नहीं आती है निद्रा इज वन ऑफ द बेस्ट हीलर स्लीपिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हीलर वो हमारे स्वभाव में भी चेंजिंग ला देता है जिसको अच्छी नींद आती है देखो आप जिस दिन आपको अच्छी नींद आए उस दिन आप एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे और आप एक टीचर हैं यदि प्रसन्न मुद्रा में हैं तो किसी स्कूल में जाएंगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे आप एक परिवार के मुखिया हैं हेड ऑफ द फैमिली आप घर में प्रसन्न रहेंगे पूरा परिवार खुश रहेगा तो जो जहाँ है यदि प्रसन्न है तो वातावरण को प्रसन्न रहता है और किसी दिन अच्छी नींद नहीं आए तो दिन भर चिरचिराहट सी बनी रहेगी और मूड इज नॉट गुड इफ मूड इज नॉट गुड हाउ कैन यू कैसे हम न्याय कर सकते हैं अपने काम में इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डीप स्लीप होनी चाहिए साउंड स्लीप होनी चाहिए तब जाके हमारा दिन मंगलमय होगा और मंगल में होगा तो सब काम मंगल होगा कहीं अमंगल नहीं होगा कहीं कुछ नहीं होगा इसलिए दिस इज इस वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हमने निद्रा को कहा वन ऑफ द बेस्ट हीलर और इस वन ऑफ द बेस्ट हीलर को हम रियलाइज़ करें सोने से पहले ज़रूर मेडिटेशन करें क्योंकि जैसी रात को हम सोएंगे वही स्थिति सुबह में उठते वक्त भी मिलेगी यदि रात में हम पॉजिटिव या प्रसन्न मुद्रा में हमने सो रहे हैं तो सुबह भी हम पॉजिटिव और प्रसन्न ही रहेंगे और यदि रात में हम पॉजिटिव और प्रसन्न नहीं हैं तो सुबह में भी पॉजिटिव और प्रसन्न नहीं रह सकते हैं इसलिए बिल्कुल हम चांटिंग करके या ध्यान करके रात में सोएं बिल्कुल कोई टीवी वीवी या कुछ ऐसा करके या फोन पर ना लगे नहीं तो फिर सुबह वैसी ही होगी फीकी सुबह होगी उदासीन सुबह होगी फिर दिन भी उदास इसलिए मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ है जी रविहारी बिल्कुल सोने सोते वक्त बिल्कुल पॉजिटिव मंगलमय वातावरण हो अच्छी बेड साफ़ सुथरी हो तो सुबह हमारी सुहावना होगी रिचार्ज होगी इसी मंगल के कामना के साथ एक बार फिर से अच्छे तृतीया की इस, मह, इस महा इस महापर्व पर और ईद पर बहुत बहुत शुभकामना शुभेच्छा जय हिंद जय जे भारत